माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय ये पांच चीज़ें जिस घर में भी होती है उस घर से गरीबी रहती है कोसों दूर। तो कौन सी है वो पांच चीज़ें जो माँ लक्ष्मी को है बेहद प्रिय, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं बीएल सनोटिया और आप देख रहे हैं बीएल ज्ञान। कहते हैं जिस घर में माँ लक्ष्मी वास करती हो उस घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहती और उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। परंतु माँ लक्ष्मी इतनी आसानी से हर किसी के घर में वास भी नहीं करती। ऐसा कहा जाता है कि अगर माँ लक्ष्मी से जुड़ी माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं अगर आप अपने घर में रखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगी और आपके घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि, सुख शांति व संपन्नता बनी रहेगी एवं आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं उन वस्तुओं और उनके रखने के स्थान के बारे में जिन वस्तुओं के घर में होने से माँ लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखेंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश की नृत्य करती हुई प्रतिमा। वैसे तो भगवान गणेश हर रूप में मंगलकारी हैं, लेकिन धन लक्ष्मी की परेशानियों को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश प्रतिमा घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की दृष्टि रहे। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी सदैव उस घर परिवार पर प्रसन्न रहती है। दूसरा, घर के मंदिर में रखें लक्ष्मी और कुबेर। देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति तो लगभग सभी घरों में होती है, लेकिन धन धान पाने के लिए देवी लक्ष्मी के साथ घर में भगवान कुबेर की मूर्ति या तस्वीर रखना भी जरूरी होता है। स्थायी धन लाभ पाने के लिए घर में देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर दोनों की पूजा की जानी चाहिए। भगवान कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही स्थापित करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर लक्ष्मी की कृपा, आपके घर परिवार पर लक्ष्मी माँ की कृपा हमेशा बनी रहेगी और घर में कभी भी धन संबंधित कोई परेशानी नहीं रहेगी। तीसरा, घर के मंदिर में शंख रखना होता है बेहद शुभ। वास्तु के अनुसार भी शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। जिस घर में शंख रखा होता है वहाँ हर तरफ सकारात्मकता होती है। शास्त्रों के अनुसार भी जिस घर के पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी माँ के साथ शंख की स्थापना की जाती है और नियमित रूप से इसकी पूजा की जाती है वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ऐसे घर में धन संबंधी परेशानी कभी नहीं रहती, ऐसा माना गया है। चौथा, एकाक्षी नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहा गया है, इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। श्रीफलों में एकाक्षी नारियल बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में एकाक्षी नारियल रखा जाता है और उसकी नियमित पूजा होती है वहाँ नकारात्मकता नहीं ठहरती, ना ही कभी धन धान की कोई कमी नहीं रहती। ये माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय फल माना गया है। पांचवा, तुलसी का पौधा। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होती है। विष्णु जी को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी के पत्तों को अवश्य ही शामिल किया जाता है। इसीलिए जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और नित्य उस पौधे की पूजा होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है और उस घर परिवार में कभी भी धन धान की कोई कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।